ये यहाँ पे रेंटल साइकिल्स मिल रही है, वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, और ये पूरा लाइक क्या है, म्यूजियम है क्या भाई, इतना ज़बरदस्त बनाया है। इसका वेट क्या है, ज़्यादा भारी तो नहीं? अच्छा प्लास्टिक का, ये तो मस्त है। चेस बोर्ड भी सही है, इसके पीसेस मिसिंग है। अच्छा उधर पड़ा है, तो आपको एक वहाँ दिख रहा है आराम से बैठा हुआ है और कुछ पानी में है। ये है अल्फाबेट टावर, सब कुछ यहाँ पे एकदम पास में लिंक्ड है। तो गाइस यहाँ पे बच्चों का पूरा खेलने का बनाया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। न्यू शिप रेस्टोरेंट, क्या बात है, सही में बोट ला दी यहाँ पे तो। अभी मैं आ चुका हूँ बॉलीवुड गार्डन, पूरा बॉटनिकल गार्डन है यहाँ का, और ये पूरा गार्डन अंदर अंदर से आली एंड नीनो स्टैचू पे पहुँचाएगा। फ्यूचरिस्टिक टाइप स्टैचू बनाया हुआ है जो एक दूसरे के अंदर से जा सकते हैं और बाहर वापस आ जाते हैं। और सामने एकदम सामने बीच है, हाँ एकदम वॉकिंग डिस्टेंस भी है सब कुछ, यू नो लाइक बहुत पास बनाया हुआ है। बतूमी छोटा है, यू नो जैसे देखने में बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन सब जगह बहुत ईजीली पहुँच जाते हैं। और यहाँ इतना बड़ा गार्डन है, यहाँ पे सब कुछ फ्री खेलने के लिए, लाइक टेबल टेनिस बॉल्स भी रखे हुए, बट लेकिन यहाँ पे लगता है खुद के वो लाने, रैकेट और बॉल तो एक वहाँ देखा। वन बारी का वॉशरूम, ब्रो ये तो पूरा किंगडम बनाया हुआ है क्या ही। और उधर यू नो लाइफ साइज जैसे, उधर जाना कैसे उसका नहीं पता, लेकिन लुक है, मेरे को उधर भी जाना पड़ेगी, जो बस ट्रिप्स, रोड ट्रिप्स और जो भी है फ्लाइट ट्रिप्स, उसमें सब चेस ही खेल रहा था chess.com पर। तो भी मेरे जो कुवैत में दोस्त हैं, स्कूल मेट, बहुत अच्छा उन्होंने एक्चुअली सिखाया है मेरे को खेलना। कभी कभी हार जाता उनसे, कभी कभी जीत जाता, ऐसा ही है। क्या है म्यूजियम है क्या भाई, इतना ज़बरदस्त बना है। अच्छा रेनोवेशन का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो वैसे लिखा नहीं है क्या है, अंदर तो पता नहीं क्या है, बाहर निकलने बालकनी जैसा है। इट्स अ थिएटर, अच्छा ये एमपी थिएटर जैसा है अंदर। क्या लिखा है 11/19 को परेड, हाँ अंदर तो आवाज़ आ रही है स्पीकर, धूम 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 कुछ चल रहा है अंदर। यानी ये है पीछे मेरे, कुछ एमपी थिएटर है ये ब्रो, अंदर तो गाने से धूम धूम, यहाँ पे भी धूम धूम हो रहा है। तो ये है यहाँ का पूरा ब्यूटीफुल सा बॉटनिकल गार्डन और बॉलीवुड इधर का बहुत ही सुंदर है। चलिए मैं आपको रियल लाइफ चेस भी दिखा के आता हूँ, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, यानी बहुत सारी पब्लिक सुविधाएँ बनाई है ना खेलने के लिए, बहुत ही ज़्यादा लाइक जो बनाया है बैठने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सबको आराम है यहाँ पे जो भी लोग चेस खेल रहे हैं। का वेट क्या है, ज़्यादा भारी तो नहीं? अच्छा प्लास्टिक का, ये तो मस्त है। इधर होता है ये चेस बोर्ड भी सही है, इसके पीसेस मिसिंग है। अच्छा उधर पड़ा है, और ये बीच में क्या कैफे बनाया हुआ है लगता है, उधर वॉशरूम वन ला रही है, इधर फ्री में ड्रिंकिंग वाटर की काफ़ी सुविधाएँ रखी है। एनीवेज ये यहाँ पे कुछ स्टैचू है, बस काफ़ी लोग चिल कर रहे हैं यहाँ पे। ये लोग जो भी गार्डन बनाते हैं ना यहाँ पे, बहुत अच्छी हवा चलती है, लाइक मज़ा आ जाता है। वो चिड़ियाघर बनाया गाइस, लेकिन दिस ये चिड़ियाघर है डक्स के लिए, बीच में से ऐसे चल के जा सकते हो। यो लुक एट दोस डक्स एंड डकलिंग्स। तो आपको एक वहाँ दिख रहा है आराम से बैठा हुआ है और कुछ पानी में है, तो इसकी एंट्री फीस है क्योंकि कोई भी अंदर नहीं। तभी बर्ड्स कितने मस्त हैं, सब कुछ कुवैत में भी था वो बाप ढोकला वाले एरिया में, नहीं वो तो शायद दूसरा, नहीं वो तो पूरा ही डिफरेंट था शायद, इतना अच्छा बनाया है। उसके आगे तो वो एक और स्ट्रक्चर आएगा, उधर नहीं जाना, अभी चलते एकदम सीधा। ओह था, तो देखो जो लोग टेबल टेनिस खेलना चाहते हैं और उनके पास रैकेट नहीं है, यहाँ पे वो भी बेच रहे हैं आई थिंक, लेकिन टेबल यूज़ करना फ्री है तो लिखा हुआ भी था, पता नहीं कहाँ लिखा हुआ था, देख नहीं पा रहा।
स्नूकर खेल रहे हैं. यू नो स्नूकर इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम्स टू वॉच. जो सॉलिड और स्ट्राइप्स होते हैं, टू प्लेयर्स सो टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट बॉल्स सॉलिड एंड स्ट्राइप्स. स्कोर करने में लास्ट में जब एट करना होता है तब बहुत कूल हो जाता है, जब सब सबके खत्म हो जाते हैं और एट एट का हुआ वो विजेता. बॉक्सिंग. चलिए अब एकदम सीधा चलते हैं. नहीं उससे पहले मेरे को कुछ पीना है, पी लेते हैं वहाँ से. गाइस एक स्लश ली मैंने यहाँ से 5 लारी में. मुझे वैसे भी कुछ पीने का मन कर रहा था तो मैंने लिया एक ये ब्लूबेरीज का और एक चेरी का है. तो कहीं बैठ के पीते हैं, वहाँ बीच वाले एरिया पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ. वो बंदा पैराग्लाइडिंग करते हुए आ रहा है. तो बतूमी एज अ मेगा सिटी, ये पूरी लाइन जो है ना, पार्क भी उतना ही बड़ा है, मैकडोनल्ड्स भी, और वो जो पहाड़ जैसे दिख रहे हैं ना उस लाइक पहाड़ तक नहीं लेकिन ये पूरा जो दरिया है ना उधर तक कनेक्ट हो रहा है ये पूरी जगह और जा रहा है एकदम उधर तक. तो गाइज यहाँ पे बच्चों का पूरा खेलने का बनाया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट. लाइक जस्ट लुक एट दिस गाइज, पूरा लाइक सी लाइक, और ये बीच भी बनाया हुआ है. यहाँ पे लोग रेंट करके ऐसी गाड़ी चला सकते हैं. यहाँ पे एक है अंकल, उनको पूछ लेते हैं कितने का दे रहा है तो फिर देखते हैं. और ये जो पार्ट था ना इधर हमें जाना था, लाइक यहाँ से वहाँ तक जो पूरा पार्क है उधर घूमना बाकी है. ये यहाँ पे रेंटल साइकिल्स मिल रही है, वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, और ये पूरा लाइक बहुत ही अच्छा बनाया है ये मेगा सिटी में, यू नो बहुत ही मस्त लग रहा है. 1 घंटे का 35 ला रही है, ताकि जब मैं कहीं जाऊँ तो वो लोग ज़्यादा नहीं बताए. तो वहाँ तक हम गए थे, फिर यहाँ से धीरे धीरे चल के यहाँ तक पहुँचे. तो इतना तो कवर हो गया गार्डन, इतना छोड़ दो कोई बात नहीं. वहाँ पे बार जी है, ये बहुत ही मस्त लग रहा है बीच में. और फिर वहाँ तक उधर एक्चुअली छोटा डिस्टेंस है तो वो कवर हो जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. और यहाँ पे सुविनियर शॉप भी है, ज़रा देखते चलो जाके. तो गाइस 4 दिनार का हुआ वो जो राइड बोल रहा था वो, और इधर लॉ मूविंग चल रहा है यानी गार्डन अच्छे रखने के लिए. उनके पास यहाँ पे सुविनियर्स है. हाउ मच? 7 लारी मेटल. ओके थैंक यू. गाइस यहाँ पे जो मैंने लिया ना सेम था इनके पास 7 का. यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस ही है. क्या स्ट्रीट थी वो मुस्लिम वाली? खुलू स्ट्रीट कुछ था वो नाम, इतने सारे नाम याद रखने होते इधर उधर के तो याद नहीं मेरे को. तो आप वो वाला लाइक चेक कर लेना, उधर आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा. मैंने भी वहाँ पे 5 का लिया मेटल वाला. यहाँ पे क्या है सेरामिक, जो सेरामिक वाला है ना वो सस्ता रखता है, मेटल वाला महंगा रखता है. उधर जाऊँगी ना अंदर लाइक उस तरफ थोड़ा और स्ट्रीटों के अंदर, तो आपको आएगा प्याजा स्क्वायर, फतूमी प्याजा स्क्वायर, और उसके बाद आएगा लाइक उससे पहले आएगा वो उलू स्ट्रीन. तो वहाँ से हम आए थे पूरा घूम घूम के, बहुत ही मस्त है यार. तो कल एक काम करते हैं, यहाँ पे हम यू नो टाइम पास करने वापस आए. ये बॉलीवुड, ये इसको बोलते हैं शायद बॉलीवुड, ये होता है असली बॉलीवुड. आई मीन कुवैत का भी अच्छा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा ख़राब है. चलो गाइस आगे देख कर आते हैं फिर चलते हैं वापस. टावर सही में बोल रहा हूँ गाइस, बहुत लाइक पास से जब असली में देखती हूँ ना सही में बहुत मज़ा आता है. सिटी में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है तो वो भी एक चीज़ है. ये लोग इतना मेंटेन करके यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. उस तरफ बस रोड है और कुछ नहीं है गाइस, उधर यानी गार्डन थोड़ा बहुत है और रोड है तो. लेकिन यहाँ पे अच्छा एक चीज़ नहीं है कि उन्हें वो ग्रीन कलर की चीज़ नहीं रखी ताकि कुछ हम पे ना गिरे. लाइक दूसरी जो भी बिल्डिंग्स आप देखेंगे ना उधर उन्हें वो प्रोटेक्टिव लेयर रखा हुआ ही. और एक दो अंकल नीचे खड़े ही होते, बोलते प्लीज़ साइड में जाइए कुछ हो जाएगा. तो ये है अल्फाबेट टावर, सब कुछ यहाँ पे एकदम पास में लिंक्ड है. तो वहाँ तक चलते हैं, फिर वापस हम जाएंगे वही जगह पर जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ. अब ये रेंटल शॉप से पूछ कराता हूँ. वो अल्फाबेट टावर लाइक ने जो जॉर्जियन लेटर्स लिखे हैं अल्फाबेट्स वो इतने अच्छे लग रहे हैं ना इन पे, जबकि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है. ABCD पता नहीं, तो भी बहुत अच्छा लग रहा है. और ये प्रो ये रिजॉर्ट तो पूरा ऐसा लग रहा है या साइलेंट से आ रहा है. न्यू शिप रेस्टोरेंट, क्या बात है सही में बोट ला दी यहाँ पे. तो यो वो फेरिस व्हील दिख रहा है, वो लगता है शो पीस के लिए बनाया है, और बनाया भी है ना तो भी बहुत अच्छा लगता है. चलो उस तरफ चलते हैं अब, क्योंकि अब तो ये टर्न मार के फिर और बतूमी से पहले एक और स्टेशन आता है कुछ करके. जब ही वो स्टेशन क्रॉस हो गया ना और बतूमी हम एंटर होने वाले थे तब पूरा बीच चालू हो गया था, लोग नहा रहे और खेल रहे और ये सब चालू हो गया था. और लोग यहाँ पैराग्लाइडिंग करके यहाँ पे वापस आ रहे हैं. एक तो ये दरिया वाला एरिया पूरा, और इतनी अच्छी हवा चल रही है ना गाइस, ऐसा तो कुवैत सी साइड पे हवा चलती है. वहाँ तो अभी आग लग रही है कुवैत में, 50 डिग्री ऊपर है वहाँ तो. कैफे ही लग रहा है, एक दो जब बूथ जैसा होता है वो था उधर. Bro, this guy, just look at the atmosphere, bro. It looks like you put some picture, like background. Look how mast banaya hai. Oh, look at this nature. Nature bhi saath mein aur just everything.
और ये क्या है, छोटा सा बेकरी है लगता है। सो गाइस दिस इज़ लाइक सम प्लेस वेयर यू कैन स्पेंड योर टाइम एंड ऐड दिस इन योर आइटनरी फॉर विजिटिंग इन बतूमी एज इट्स अ लिटिल प्राइजी एंड दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे तो लगता है अभी तक मैंने सिर्फ 5 लार ही यूज़ किए होंगे। ब्रो इसी जैसी है, इसकी तो सिर्फ 2 सीटर है। यहाँ पे बकाला भी है लाइक बीच बीच में अगर आपको कुछ चाहिए, बट ये लोग थोड़ा सा प्राइस ही रखते हैं यहाँ पर क्योंकि इनको पता है डिमांड ज़्यादा है इधर, तो प्राइस भी ज़्यादा कर दो। यहाँ पे एक सुविनियर शॉप है गाइस, जॉर्जिया टिबिलिसी, अच्छा ये तो पीस ब्रिज है। ओके तो गाइस इनके पास क्रॉनिकल ऑफ जॉर्जिया लेकिन बस एक ही पिलर है, लाइक एक एक सिंगल पिलर में और 25। चलो निकलते हैं यहाँ से, थैंक यू, गुड बाय। तो वो है जॉर्जियन आई, बतूमी आई भी बोल सकते हो। ओह कितना क्यूट डॉग है गाइस।